रेनू बाला जी एक भी सैकटरी नहीं आया। मैं एक पिंड का सैकटरी दस दवा कौ बजे सैकटरी गया होगा। एक भी सैकटरी नहीं आया, एक भी जय नहीं आया, कोई अफसर नहीं है। ये 5 साल मैंने रौला पाने हो गए, पर मुख्यमंत्री के ऑर्डर भी अणगहले कर दिता इन्होंने। आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत संधोआ वालों अज अचानक ही नूरपुर बेदी के सरकारी दफ्तर BDPO दफ्तर के छापेमारी कर दी गई, रेड पा दी गई। तो यदा रेड़का हूँ किस किस के गल पएगा, यह समा आने पता लगेगा। दरअसल जदों अज अमरजीत संधोआ इन्हां सरकारी दफ्तर के पुजे तो वड्डी गिनती दे विच मुलाजम गैर हाजिर सी, जबकि वेला तड़के 9 बजे तो उन्हां दी ड्यूटी टाइमिंग तो कितने ज़्यादा उत्ते लंघ चुका सी। सो इस तो बाद संधोआ साहब बहुत गुस्से दे विच भी नज़र आए। उन्होंने मुलाजमान नूं इह भी तक कह दिता भी तुसीं तां चरणजीत सिंह चन्नी दे सिद्धे हुक्मां दी पालना भी नहीं कर रहे। दरअसल पंजाब दे नवें चुने गए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों हाल ही दे विच इह ऐलान किया गया कि अफसर शाही दे उत्ते हुण कस पाउणगे, ते नाल दी नाल जिहड़े अफसर तड़के 9 बजे या जिन्ना भी उन्हों का रिपोर्टिंग टाइम है अपने दफ्तर के नहीं पुजते तो फिर उन्होंने उत्ते कार्रवाई की जाएगी, बर्खास्त भी कर दिता जा सकता है। उधर ही उन्होंने ये हुक्म दिते ने कि जिन्हें भी जांच अधिकारी ने वो हफ्ते 2 दिन सरप्राइज़ विजिट करके इन सारे मुलाजमान की जाँच जरूर कर भी कौन कि चेहरे वास्ते लोगों की सेवा कर रहा। तो पहला देखो ये वीडियो किस तरीके अमरजीत संधोआ वालों अज छापेमारी की गई, किस तरीके गैर हाजिर मुलाजम उन्होंने वालों पाए गए ने। आओ जी सुपरिटेंडेंट भी है नहीं इतने, रेनू बाला जी कहो जी तो बुला। सुपरिटेंडेंट भी है नहीं रेनू बाला जी, जही कितने गया, यही कौन कौन है? संदीप कुमार जी नहीं है, प्रदीप सूद जी नहीं है, हो गया कोई अफसर नहीं है। ये 5 साल मैं रौला पाने हो गए, पर मुख्यमंत्री के ऑर्डर भी अणगहले कर दिता इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री साहब तुहानू अपील करनी चाहुंदा है, जां बयान ना दो, लोकां नू भंबड़ दूसरे देना पाओ। तुसीं बयान दे सिद्धू का मगर ला के, कांग्रेस प्रधान का मगर ला के बेवकू बना रहे हैं, पर तुहाडे ऑर्डर नूं गले कर रहे हैं। कल मैं रोपड़ गया 10:30 बजे तक कई अफसरां दे दफ्तर नहीं आए थे, फिर उन्होंने मैं छड़ के आया, मैं छड़वा कुछ नहीं करना है। आ साढ़े 9 हो चुके हैं, इस दफ्तर का बेड़ा गर्क हो गया है। 11 बजे आए, 3 बजे 2:30 बजे चल जाते झूठ बोल के, बार बार रौला पाया मैं इस करके। ये दफ्तर खाली पिया है, कोई अफसर नहीं थे आ रहा मौके है। कोई दसो सर टोटल मुलाजम इतने किन्ने प्रेजेंट, किन्ने हाजिर है जी, किन्ने मुलाजम टोटल इतने? इन्हां कोल ना मुलाजम दी गिनती। थोड़ी पोस्ट की है जी? मैं पंचायत अफसर। की नाम है जी थोड़ा? जगतार सिंह। जगतार सिंह मैं इतने हाजिरी इस थोड़े हवाले हुंदा जी? स्टूडेंट है जी। जिहदे हवाले हुंदा उही है ने इत्थे, है जी, वो भी हाजिर है ने। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਕਸਨ PWD ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਓਗੇ 9 ਵਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਮਤੀ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, BDO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, 10 ਵਜੇ ਵੀ, 10:30 ਵਜੇ ਵੀ, 11 ਵਜੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ BDO ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸਰ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
कोई भी उन्हों का जेई कोई सुपरिटेंडेंट कोई बी डी ओ साहब कोई भी बंदा उत्थे दफ्तर सानू मौजूद नहीं मिले है। ये बार बार कंप्लेटा असी करियां भी हैगियां इन्हां दीआं, पर मैं मुख्यमंत्री साहब नूं अपील करनी चाहुंदा कि मुख्यमंत्री साहब जिहड़े ऑर्डर तुहाडे है तुहाडे ऑर्डरां नूं भी नगोले कर रहे जिहड़े अफसर है उन्हां ते बणदी कारवाई करो, नहीं तुसीं फेल मुख्यमंत्री गिणे जाणा है। लोगों ने कहना है तुसीं प्रेस विच जाके कुछ बयान दे दिंदे पर ऑर्डर भी कढ दिंदे तुसीं लिखती, पर तुहाडे ऑर्डर दा असर नहीं हो रहा। इन्हां ते जिहड़े अफसर गैर हाजिर पाए गए ते सख्त सख्त कारवाई करावांगे। और साडे नायब तहसीलदार साहब ये पहला भी कदे भी लेट नहीं हुए है, जब भी मैं इन्हों फोन कर 9 बजे दफ्तर मिलते और लोगों के काम करते हैं, ना लोगों की कोई कंप्लेट है इन वालों, इस करके हाजिर पाए गए हैं। वैसे भी 9 बजे आते हैं, इन्हों अज के ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, पहला भी समय सिर ही आते हैं नायब तहसीलदार साहब, इस करके इनका जो काम है वधिया चलता है। जिहड़े दफ्तर का नहीं चलता है, और मैं तुहाडे जरिए रोपड़ के सारे अफीसर आनंदपुर साहब SDM साहब तहसीलदार साहब DSP साहब जिन्हें भी है उन्होंने भी कहना दिता कि कल मैं तुहाडे दफ्तर भी चैक करूँगा, कल करा परसों करा, मैंने 9 बजे देखने चाहिए सारे दफ्तर में अफसर जिन्हें भी है जिले लैवल से हैडक्वाटर लैवल से। यह ना होगा कल तुम नहीं होंगे, नहीं मैं तुहाडे खिलाफ़ भी पूरी कार्रवाई करा के हटाँगा। हूँ मैं पिछा पै गया मुख्यमंत्री तो ही घेरी जाना है, मुख्यमंत्री जवाब देना पैना है और अफसर सस्पेंड करके घर बिठाने पैने टर्मिनेट करके। इस करके मैं अफसरों को बेनती करता कि भाई तुसी 4.5 साल जिदा के लंघा ले हूँ टाइम से ड्यूटी पर आओ तो लोगों के काम हो सकन, और मुख्यमंत्री के ऑर्डर मनो, तुम इन्ना ना करो कि मुख्यमंत्री के ऑर्डर मनो, मुख्यमंत्री ऑर्डर किसी के उपर ही पंजाब का ऑर्डर नहीं है, इन्नी की बेनती करता तुम। सो चरणजीत सिंह चन्नी दे हुक्मां दे बावजूद गैर हाज़र सी बहुते मुलाजम, सरकारी दफ्तरां दा हाल अज भी मंदा है। आम आदमी पार्टी दे विधायक अमरजीत संधोआ ने यह गल अज मीडिया दे सामने लोगों दे सामने रख दित्ती है इस वीडियो दे राही। तुहाडे की ने विचार सांझे कर सकते हो, देखते रहो विजन पंजाब TV, हर कदम तुहाडे नाल।